और एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई को ईडी ने भेजा है समन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई विनय ठाकुर को ईडी ने भेजा है समन। आपको बता दें मिथिलेश ठाकुर के आप्त सचिव हरेंद्र कुमार को भी ईडी ने भेजा है नोटिस। जल जीवन मिशन में अनियमितता और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है। दोनों को ईडी ने अगले सप्ताह पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। 14 अक्टूबर को संबंधित 18 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। विनय ठाकुर के चाईबासा स्थित आवास सहित कई ठिकानों पर दी थी दबिश। निजी सचिव हरेंद्र कुमार के आवास और अन्य जगहों पर भी की गई थी छापेमारी। पेयजल और स्वच्छता विभाग के कर्मी संतोष कुमार के खिलाफ सदर थाने में 18 दिसंबर 2023 को दर्ज एफआईआर को ईडी ने किया है टेक ओवर। रांची शहरी जलापूर्ति योजना 2.17 करोड़ का फर्जी भुगतान करने का लगा है आरोप। और इसको अधिक बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर रांची संवाददाता दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरीके से मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई को ईडी का समन आया है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? देखिए अनिकेत, ये मामला पॉलिटिकल के रूप में बनाया जा रहा है, क्योंकि अभी हाल में ही 14 अक्टूबर को मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई, उनके आप सचिव हरेंद्र कुमार और अन्य के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। यह छापेमारी टीवी 45 ने वह खबर जो दिखाई थी संतोष कुमार से रिलेटेड थी, और संतोष कुमार के ऊपर जो एफआईआर किया गया था 18 दिसंबर 2023 को, उसी प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने समन भेजा है। बताया जा रहा है कि इस प्राथमिकी में जो है पेयजल और स्वच्छता विभाग के स्वर्णरेखा शीर्ष कार्य प्रमंडल के जो कार्यपालक अभियंताओं द्वारा भुगतान किया गया था, उस भुगतान को लेकर काफी आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, और यह कहा गया था कि जो भी संबंधित कार्यपालक अभियंता थे उनके फर्जी हस्ताक्षर से वरीय उच्च लिपिक संतोष कुमार ने फर्जीवाड़ा किया और एक फर्जी कंपनी बनाकर उसमें करोड़ों रुपए की निकासी की। इसको लेकर ही समन भेजा गया है, और इसी तार को जोड़ते हुए ईडी जो है जो टेंडर घोटाला हुआ है पेयजल और स्वच्छता विभाग में, वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अनिकेत जी, दीपक आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई विनय ठाकुर को ईडी ने नोटिस भेजा है। मिथिलेश ठाकुर के आप्त सचिव हरेंद्र कुमार को भी ईडी ने नोटिस भेजा है। जल जीवन मिशन में अनियमितता और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है।